मैंने गंगा के निर्मल तट पर लाशों को जलते देखा है, वायु भूमि और जल में मिलकर मानव को गलते देखा है, अग्निताप से खंडित होकर पंच तत्व बनते देखा है, सुख दुख चिंता मोह सभी को शून्य में घुलते देखा है। मैंने गंगा के निर्मल तट पर लाशों को जलते देखा है। श्रृंगवेरपुर धाम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ चार तरह के लोग आते हैं, एक जो अपने साथ लाए हुए मृत शरीर को शमशान घाट पर गंगा नदी के किनारे भस्म करते हैं, दूसरे यहाँ संतान की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के मंदिर में दर्शन हेतु आते हैं, कुछ जिज्ञासु उस भूमि को देखने आते हैं जहाँ से वनवास के समय श्री राम ने मछुआरों के राजा निषाद की मदद से गंगा को पार करके प्रयाग एवं उसके बाद चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया था। चौथे वे लोग हैं जिन्हें इतिहास में गहरी रुचि है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों की कार्बन डेटिंग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर 1000 साल पुरानी मानव संस्कृत के अवशेष विद्यमान हैं। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से गंगा नदी का पुल पार करने के बाद फाफामऊ की ओर से प्रस्थान करते हुए लखनऊ मार्ग पर लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के किनारे एक ऊंचे पहाड़ी नुमा टीले पर स्थित है श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर। इन्हीं के नाम पर इस धाम को श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता है, जो प्रयागराज के सुराव तहसील से 25 किलोमीटर दूर सिंगरौर नामक स्थान पर बसा हुआ है। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, कालिदास की रघुवंशम, भावभूति का उत्तर रामचरित, तुलसीदास कृत रामचरित मानस, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत आदि कई पुराणों में श्रृंगवेरपुर, ऋषि श्रृंगी एवं उनकी पत्नी शांता का वर्णन प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि के पुत्र महर्षि विभंडक के कठोर तप से भयभीत होकर देवलोक की अप्सरा उर्वशी को ध्यान भंग करने हेतु भेजा गया। तपस्या भंग होने से विभंडक ऋषि एवं उर्वशी के संसर्ग से जिस बालक का जन्म हुआ उसके माथे पर सींग जैसा उभार था, इसी के कारण इस बालक का नाम पड़ा ऋष्यशृंग, जो बाद में अपने कठोर तप से श्रृंगी ऋषि कहलाए। अयोध्या के राजा दशरथ की तीन रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा। उस समय रानी कौशल्या की मात्र एक पुत्री थी शांता, जिसे रानी कौशल्या की सगी बहन वर्षिणी, जो अंग देश के राजा रोमपद उर्फ चित्ररथ की पत्नी थी, ने गोद ले लिया था। राजा दशरथ एवं रोमपद संबंधी होने के साथ ही परम मित्र भी थे। वाल्मीकि रामायण में राजकुमारी शांता का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता, किंतु दक्षिण के पुराणों में शांता के चरित्र का वृहद वर्णन किया गया है। एक बार अंग देश में भयानक सूखा पड़ा, नदी तालाब पोखर सभी सूख गए। इस आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए महर्षि श्रृंगी से अनुरोध किया गया। महर्षि श्रृंगी के मार्गदर्शन में पूरे अंग देश में विधि विधान से हवन पूजन एवं यज्ञ किया गया। परिणाम सुखद निकला और घनघोर वर्षा हुई, नदी तालाब पोखर सभी जलाशय पानी से भर गए। अंग देश के राजा रोमपद ने प्रसन्न होकर राजा दशरथ से गोद ली हुई पुत्री राजकुमारी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से संपन्न कराया। इस तरह से महारानी शांता अंग देश के वैभव का त्याग करके महर्षि श्रृंगी के साथ जीवन यापन करने के लिए गंगा नदी के किनारे इस रमणीय स्थल पर आवसी। पुत्री शांता के पश्चात राजा दशरथ के कोई भी संतान शेष नहीं थी, अतः पुत्र प्राप्त की मंशा से वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्रृंगी ऋषि के पास जाकर पुत्रेष्टि कामना यज्ञ करने का सुझाव दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अर्थात श्रृंगी ऋषि की पत्नी शांता श्री राम की सगी बहन थी, जिसका वर्णन दक्षिण के कई पुराणों में प्राप्त होता है। इस घटना के बाद से श्रृंगवेरपुर में लोग पुत्र की कामना लेकर दूर दूर से आने लगे। गंगा नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, जो श्रृंगवेरपुर की मुख्य श्रद्धा स्थली है। मंदिर के नीचे गंगा नदी के किनारे स्थित है श्रृंगवेरपुर घाट। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। घाट से कुछ ही दूरी पर मृत लोगों के दाह संस्कार के लिए श्रृंगवेरपुर शमशान घाट दिखाई पड़ता है। कितनी विचित्र व्यवस्था है, एक तरफ लोग पुत्र की कामना से यहाँ पर आते हैं और दूसरी तरफ कोई पुत्र अपने पिता के शरीर को सदैव के लिए भस्म करके पंचतत्व में विलीन कर रहा होता है। इन्हीं पंचतत्वों के आपसी संयोजन से एक बार पुनः
एक नए जीवन का बीज अंकुरित होगा। इसी आस्था, विश्वास और कामना के साथ मनुष्य अपना कर्म करता रहता है। यह सोचना कि हमारा जन्म किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है, यही आपको यहां से वापस अपने समाज में लौटने की शक्ति देता है। अन्यथा शमशान की भूमि आप में इतनी अधिक उदासीनता एवं अवसाद भर देती है कि एक पल के लिए आप यह भी सोच सकते हैं कि क्या फायदा व्यक्ति कुछ करे या ना करे, मरना तो आखिर सभी को है। यह सच है कि मरना तो सभी को है, पर अगर आप हमेशा के लिए जीवित रह भी जाएं, तो भी इस बूढ़े हो चुके शरीर के साथ जीवन का कितना आनंद उठा पाएंगे। मरना वह प्रक्रिया है जो आपको क्षीण हो चुके मानवतन के बोझ से मुक्त करती है। जब तक आप जवान हैं, स्वस्थ हैं, आपको कोई रोग नहीं है, तभी तक आप जीवन का आनंद ले पाते हैं। अन्यथा आप स्वयं मृत्यु की प्रतीक्षा में अपना शेष समय व्यतीत करते जाते हैं। यहां जितनी देर से आएंगे, आपको उतना ही अधिक समय मिलेगा अपने जीवन के उद्देश्य को समझने एवं उसे पूर्ण करने के लिए। शमशान भूमि के ठीक बगल मिट्टी का एक ऊंचा टीला दिखाई पड़ता है। इसके पीछे जाने के लिए वापस चौराहे से एक दूसरे मार्ग के द्वारा यहां तक पहुंचा जा सकता है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1977 से 1981 ईस्वी के बीच डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में यहां पर खुदाई की गई, जिनसे प्राप्त वस्तुएं एवं संरचना का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात कई संस्कृतियों के विकास एवं नष्ट होने की जानकारी मिली। उत्खनन कार्य में 1000 ईस्वी पूर्व यानी आज से 2000 साल पहले प्रयोग किए गए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष, मिट्टी को सपाट करने के लिए धातु के बनाए गए धूसर, तांबे के बने हुए 3 बड़े कलश जैसी कई अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई। यहां पर पाए गए आयताकार तालाब शुंग काल से संबंधित बताए जाते हैं। ये तालाब पक्की ईंटों से बनाए गए थे। इन तालाबों में पानी नालियों के द्वारा गंगा नदी से आता था और दूसरे छोर से पुनः गंगा नदी में निष्कासित कर दिया जाता था। गंगा से आने वाले पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जल संशोधन की प्राचीन प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। भारत में जितने भी प्राचीन स्थलों की खुदाई की गई है, उसमें इस तालाब को सबसे बड़ा बताया जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि शुंग काल में नगरीकरण अपने उत्कर्ष पर था। कुछ मिट्टी की मूर्तियां एवं लाल रंग के मिट्टी के बर्तन गुप्त युग से संबंधित पाए गए। इसके अलावा कन्नौज गढ़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र की 13 रजत मुद्राएं और मिट्टी में रखे हुए कुछ आभूषण मिले। इसके बाद यह स्थान एक लंबे समय तक वीरान रहा। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि गंगा में आने वाली भयानक बाढ़ के कारण यहां पर रहने वाले लोगों ने हमेशा के लिए पलायन कर लिया। आज यह स्थान भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। जिन्हें इतिहास में रुचि है, उन लोगों के लिए यहां पर प्राचीन काल में प्रयोग की जाने वाली हाइड्रोलिक प्रणाली को देखने एवं उस पर शोध करने के लिए काफी संरचनाएं उपलब्ध हैं। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रामचौरा घाट। बताया जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर गंगा को पार करने से पहले श्री राम ने पूरी रात विश्राम किया था। अगले दिन केवट ने उन्हें नाव से गंगा पार ले जाकर प्रयाग की भूमि तक पहुंचाया था। आज भी लोग यहां दूर दूर से गंगा में दीप प्रवाहित करने के लिए आते हैं, जिसका अर्थ यह बताया जाता है कि जिस तरह से श्री राम ने अपने पिता के मान सम्मान एवं वचन के लिए सभी राजसी सुख सुविधाओं का त्याग करके वैरागी का जीवन धारण किया, उसी तरह से गंगा में माया मोह दुख चिंता का प्रतीक ये दीप प्रवाहित कर रात भर यहां विश्राम करके मानसिक सुख एवं शांति का अनुभव करते हुए लोग घर वापस लौटते हैं। इसी के साथ शिंगवेरपुर के इस अध्याय का यहीं पर समापन होता है। आपको वीडियो के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आगे से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ठीक समय पर वीडियो प्रकाशित किया जाए। अगला वीडियो संभवतया रायबरेली जिले के ऊपर होगा, उसके बाद ये यात्रा में विंध्याचल होते हुए वाराणसी तक ले जाएगी। ये सफर इसी तरह से जारी रहेगा। नए लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहले से इस चैनल के सदस्य हैं, वो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। अगर आप शेयर करेंगे तो और भी लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। वीडियो देखने के पश्चात अगर दिमाग में कुछ चल रहा हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। जिन लोगों को सड़कों से लगाव है, उनके लिए एक नया चैनल है रोड ऑन, जिसका लिंक वीडियो के नीचे विवरण में दिया गया है। चैनल को एक बार अवश्य देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। धन्यवाद।